आप जो प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट का यूज मेरे दादाजी पिछले कई वर्षों से सूखा रोग दूर करने के लिए यूज में लाते हैं। तो ये हमारा खानदानी पौधा कह सकते हैं, इसका प्रयोग हम कई वर्षों से कर रहे हैं। तो इस प्लांट का नाम क्या है और इसके यूज कौन कौन से हैं, इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले हम सूखा रोग या रैकेट रोग को कैसे पहचान सकते हैं, इसके कौन कौन से लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। उससे पहले आप इस जानकारी को अपने दोस्त और मित्र को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेद से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी, रैकेट रोग। रैकेट रोग बड़ों की तुलना में छोटे बच्चों को अधिक देखा जाता है, और जो छोटे बच्चे हैं जो गांव की तुलना में शहर के जो बच्चे हैं उनमें अधिक होता है, क्योंकि शहर के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते और घर में ही हर वक्त रहते हैं, और उनको सूरज की जो किरणें हैं उनके शरीर पर नहीं पड़ती, और सूरज की किरणें न पड़ने से उनके शरीर में कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनको कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होने लगती है, जिसके कारण उनको सूखा रोग या रैकेट रोग हो जाता है। कुछ बच्चों में जेनेटिक होती है, उनके माता पिता को रैकेट रोग था तो उनको भी होने लगता है। अब आप इस रैकेट रोग को या सूखा रोग को पहचान किस प्रकार कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को सूखा रोग हुआ है? तो दोस्तों, जैसे ही बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस कम होने लगते हैं, और फास्फोरस और कैल्शियम कम होने से जो शरीर की मसल्स है या मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन होने लगती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और कमज़ोर भी हो जाती हैं, उनके पैरों में दर्द होने लगता है और खिंचाव से महसूस होता है, बच्चे की खोपड़ी की आकृति बदल जाती है, क्योंकि कैल्शियम के कारण जो खोपड़ी के ऊपर की जो प्लेट है वो नरम हो जाती है, जिसके कारण उसकी विकृति आ जाती है, उनकी स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगती है, उनकी ग्रोथ जो है शरीर की वो रुक जाती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, या उनके जो चेस्ट है या जो रिब्स है जिसको पछलियाँ कहते हैं उनकी भी आकृति टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, और उनके बोलने और समझने की भी शक्ति कम हो जाती है, पैरों में जो गैप हो जाता है या उनके पैर आपस में रगड़ने लगते हैं, जिसको बोलेक्स या नौकनी कहते हैं, कलाइयाँ मोटी या टखने भी मोटे होने लगते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण उनकी दांतों की संरचना भी टेढ़ी मेढ़ी या कालापन होने लगता है, कैल्शियम के कारण उनकी जो बोन्स है वो भी कमज़ोर हो जाती है, कहीं भी थोड़ा सा गिर जाते हैं तो उनकी हड्डियां कई जगह से टूट जाती हैं, उनको भविष्य में फ्रैक्चर होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति को आप सूखा रोग या रैकेट की श्रेणी में रख सकते हैं। अब बात करें तो इस विटामिन डी की कमी को आप किस प्रकार पूरा कर सकते हैं? तो विटामिन डी आपको फ्री में सूरज की किरणों से मिलता है, आपको सुबह शाम उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को कम से कम 30 मिनट के लिए आपको धूप सेकना चाहिए, कपड़े उतार के स्पाइन सूरज के सामने रहे, ऐसा आप करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी की पूर्ति होने लगती है। दूसरा, आप खाने में दूध, मक्खन या दूध से बने हुए चीज़ या प्रोडक्ट का सेवन आप करें, पनीर, मशरूम, दाल, हरी सब्जियां, नारंगी या फल, ड्राई फ्रूट, इनका सेवन ज़्यादा करें तो आपके शरीर में विटामिन और कैल्शियम की पूरी भी होने लगती है। और आप व्यायाम एक्सरसाइज डेली करें तो आपकी जो नौकनी है, एल्बो है या बो एल्बो है उसकी, इसके साथ आप एक्सरसाइज करें तो आपकी बोल एल्बो और नौकनी भी ठीक हो जाती है, और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप इस प्रकार इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ में ये जो दवाई हम बता रहे हैं इसका भी यूज करें तो आपका सूखा रोग हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है कि आप इस मेडिसिन को किस प्रकार घर पर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आप वनस्पति देख रहे हैं इसको बटरफ्लाई या तीन पत्तियां के नाम से जाना जाता है, इसको हस्तपत्ति, तीन पत्री, बटरफ्लाई, और इसका वर्टिकल नाम ग्रोना ट्राइफोरा है। और ये जो वनस्पति है आपके घर के अगल बगल बारिश के बाद उगने वाली होती है, इसके छोटे छोटे से
पत्ते होते हैं और ये करीब 50 सेंटीमीटर तक ये ज़मीन पर फैलती है और ये बारीक इसके डंठल होता है नीचे से, काफ़ी मजबूत होता है। इसका जो फूल है ये थोड़ा सा पिंक रंग का होता है और इसकी जो फलियां हैं ये थोड़ी सी मटर की तरह पतली घूमी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका स्वाद ना कड़वा होता है ना मीठा होता है, थोड़ा सा फीका फीका सा होता है। तो इस प्रकार इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस वनस्पति का यूज चीन और भारत में दस्त, बुखार, पीलिया, पेट में दर्द, अल्सर, स्किन प्रॉब्लम, जख्म को भरने के लिए यूज में लाया जाता है। और हम इस वनस्पति का यूज रैकेट और सूखा रोग को दूर करने के लिए करते हैं। तो इस वनस्पति का यूज आप किस प्रकार कर सकते हैं वो हम बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इस वनस्पति को उखाड़ लें, जड़ सहित फूल, पत्ती, तना, बीज इसका सब ले लें और मुट्ठी भर ले लें, करीब 20 ग्राम के आसपास। इसको साफ़ कर लें और पानी से धो लें, अच्छे से साफ़ कर लें, इसमें कोई भी अन्य घास या मिट्टी ना रहे। उसके बाद आप इसमें 2.5 पत्ता पान का और 5 ग्राम इसमें आप कत्था मिक्स कर लें। ये तीन चीज़ें आपको लेनी है। अब बात करते हैं इसको आप बारीक किस प्रकार करें। तो बारीक करने के लिए आप इसको किसी हसिया या जो धारदार चीज़ है उससे पहले छोटा छोटा बारीक कर लें। उसके बाद आप चाहें तो ग्लेंडर में इसको पीस सकते हैं, ओखली में पीस सकते हैं, या आप कोई इस घर पे सिलवट्टा है या पत्थर है उस पर भी इसको बारीक करके पीस लें। और जैसे ही बारीक करके पीस जाए उसके बाद आप इसे छोटी छोटी गोलियाँ बना लें, करीब 20 गोलियाँ। ये दवा आपको कुल 10 दिन देनी है और इसको आप सुबह शाम शहद के साथ देते हैं तो आपका रैकेट रोग हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ये हमारे दादाजी का कई वर्षों का पुराना अनुभव है, हम इसका यूज आज भी करवाते हैं। और ये मैं जो मेडिसिन तैयार कर रहा हूँ इसको मैंने आज पार्सल के द्वारा दिल्ली भेजना है। किसी बच्चे को रैकेट रोग है, उनका फ़ोन आया था तो मैंने उनको तैयार करके भेजा है। अगर आपको भी ये मेडिसिन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका यूज वनस्पति का कर सकते हैं। अरे तो आप इसके साथ एक जो क्लासिकल मेडिसिन आती है जिसको हम कुमार कल्याण रस कहते हैं, इस मेडिसिन का यूज आप 1/4 टैबलेट सुबह शाम सेहत के साथ यूज करवाते हैं 5 साल से छोटे बच्चे को, तो आप देखेंगे कि उसका सूखा रोग इस मेडिसिन से भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और इसका उपयोग आप किसी डॉक्टर के अनुसार ही यूज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप इस जड़ी बूटी को किस प्रकार पहचान सकते हैं, सूखा रोग में किस प्रकार यूज कर सकते हैं और सूखा रोग के लक्षण कौन से हैं और सूखा रोग होने के कारण भी आपको हमने बताए।